हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं वर्ग सिक्स विषय हिंदी, हिंदी में आप लोग को छठा पाठ है तुम कल्पना करो कविता। इस पाठ का तीन पंक्ति कविता प्रथमत लिखवा चुकी हूँ, कल चौथा पंक्ति कविता आप लोग को लिखवा चुकी हूँ। आज मैं उस पंक्ति का अर्थ लिखवाने जा रही हूँ। एक बार मैं कविता पढ़ ध्यान से सुनिए। आकाश है स्वतंत्र, आकाश है स्वतंत्र, स्वतंत्र सिंह मेखिला, स्वतंत्र मेखिला, यह स्क्रिप्ट भी स्वतंत्र ही खड़ा, यह स्क्रिप्ट भी स्वतंत्र ही खड़ा बना ढला है। जल पर पात काटता सदो श्रृंखला है, जल पर पात काटता सदो श्रृंखला, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो तुम योजना करो। इसी पंक्ति कविता का अर्थ मैं लिखवाने जा रही हूँ। कविता का आप लोग लिखवा चुके हैं, तो अर्थ लिखे Thank you.
लास्ट पंक्ति कविता का अर्थ में लिख दी, इसे एक बार पूर्ण ध्यान से सुनिए। इसमें कवि ने स्वतंत्रता के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। इसमें कवि ने स्वतंत्रता के विषय में अपना विचार व्यक्त करना अपना बात कहा है। कवि का कहना है कि आकाश स्वतंत्र है, आकाश में कोई बंदिश नहीं, आकाश स्वतंत्र है, पहाड़ों की श्रृंखला स्वतंत्र है, पहाड़ की जो चोटी है वो कितनी ऊंचाई रहेगा वह स्वतंत्र है, तथा पर्वत की चोटी भी स्वतंत्र है और पहाड़ की जो चोटी है वो भी स्वतंत्र है, झरना अपनी राह बनाने के लिए स्वतंत्र है, झरना जिधर चाहे उधर पानी जा सकता है झरना का, वो भी स्वतंत्र है, साथ ही सुख दुख जन्म मृत्यु शाश्वत है, क्योंकि जिसको अगर सुख है तो कल दुख भी है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसको दुख सुख नहीं है, और जन्म जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना भी शाश्वत ही है। ऐसी स्थिति में हमें भी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। पराधीनता की स्थिति में व्यक्ति का कोई मूल नहीं होता। पराधीनता मैंने गुलामी की स्थिति में व्यक्ति का कोई मूल नहीं होता। अगर मनुष्य जो गुलाम बना हुआ है दूसरे का अधीन है तो अपने मन से कुछ नहीं कर, स्वतंत्र आदमी है तो अपने मन से बहुत कुछ। यही कविता का अर्थ है, इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, खूब मन लगा कर पढ़िए, और जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन भेजा जाए जल्द से जल्द व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। आज का प्रश्न ओके।